मॉम हेल्दी एंड इजी रेसिपीज़ में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाय, मसाले वाली चाय, जो कि हम हांडी में बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन को अच्छे से धोकर मैंने रख लिए हैं, जिसमें मुझे चाय पीना है। मैं उसे अच्छे से धोकर पहले रख लेंगे। जब भी हम बाज़ार से मिट्टी के बर्तन लाएं तो उसे अच्छे से धोकर औंध देना चाहिए, जिससे कि सारे जितने भी इसमें गंदगी हो, बालू वगैरह हो, सभी निकल जाएं। तो चलिए आज हम चाय बनाते हैं और मसाले वाली चाय बनाएंगे हांडी में, जो कि बहुत ही सोना सोना इसका चाय लगता है। और चाय पीने वालों के लिए तो भाई ये चाय फेवरेट होगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय। और कैसे बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस कप से 2 कप मैं पानी डालूँगी। हम 4 जन हैं, 4 जन के लिए मैं बता रही हूँ। तो 2 कप मैंने पानी यहाँ पर डाला है और 2 ही कप यहाँ पर दूध डालेंगे। 4 से ज़्यादा लोगों के लिए अगर बनाना हो तो इसी के अनुसार हम बढ़ा देंगे। 2 कप दूध के दूध और 2 कप पानी मैंने डाला है, अगर उससे ज़्यादा हो तो आप 1-1 कप बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी हूँ, और ये जो चीनी है मैं अपने मीठे के अनुसार डाली हूँ। कम मीठा हम लोग पीते हैं तो कम, ज़्यादा अगर पीते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चाय पत्ती, 2 तेज़पत्ता इसमें मैं डाल दूंगी। और उसके बाद मैं कूटा हुआ अदरक डाल दिया है, बस हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम चला लेंगे। चलाने के बाद ये 2 इलायची है जो कि इसमें हम डाल देंगे। और 2 इलायची डालने के बाद अच्छे से इसे खौलते हुए अच्छे से, किसी भी बर्तन से कलछुल आपके पास हो तो उससे आप हिला डुला सकते हैं, ऊपर नीचे चाय को करते रहें, पूरा अच्छी तरह से कम आंच पर खौलाते रहें चाय को। बहुत ही टेस्टी बनता है ये चाय। अधिकतर लोगों को मसाले वाली चाय बहुत पसंद है और मटके वाली चाय की फरमाइश भी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मटके वाले चाय पीने जाते हैं, और मटके वाले बाज़ार में गए या कहीं घूमने गए तो बहुत लोगों को पसंद होते हैं ये चुकड़ वाले चाय, और बहुत ही शौक़ से ये पीते हैं। तो हम घर में पर भी बना सकते हैं ये चुकड़ वाले चाय। बहुत ही आसान बनाना है, बस आप मिट्टी के बर्तन ले आओ और बहुत ही सस्ते में भी मिल जाती है। तो आप भी बनाएं और घर पर ही चुकड़ वाला चाय के मज़े लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, गुड डे।